यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 6. आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी बताऊंगी. तो ध्यान से सुनना. अब तक आपको जो मैंने बताया, बस आपको सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म में बताया. अब थोड़ा सा उसको प्लेइंग तरीके से करते हैं हम, कि खेल खेल में या फिर आप उसको याद करने का तरीका, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी. ठीक है, तो पहले 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपकी स्टेटमेंट देखी गया है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको क्या करना है, जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना है. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपकी स्टेटमेंट है, -5/8, -3/16, -6/24 एंड -3/4. ठीक है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज. तो वो हम कैसे करेंगे वो देखिए. सबसे पहले हमारा जो काम होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उसमें हम स्मॉलर टू बिगर जाते हैं. ठीक है, छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं, इस तरीके से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं. ठीक है, सिंपल नंबर को कैसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ये मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में या फिर पहले चैप्टर्स के अंदर बता चुकी हूँ. ठीक है, अब आता है कि रैशनल नंबर को आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे वो आप देखिए. इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिन जो भी आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं उनका डिनोमिनेटर आप सेम बनाएंगे. ठीक है, इसको आप याद कैसे कर सकते हो, सपोज़ आपकी क्लास में नए बच्चे आए हैं. ठीक है, अब जैसे क्लासेस शुरू होती हैं, आपका नई क्लास जो है शुरू होती है, उसमें नए नए बच्चे आते हैं आपकी क्लास में. ठीक है, अब नए नए बच्चे आते हैं तो आप उससे अपना कंपैरिजन करते हो कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है या मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ. वो आप कैसे करते हो, पहले उससे दोस्ती करते हो, फिर उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करके उसको अपने लेवल में लाते हो. उससे बातें करोगे तो ही तो आपको पता लगेगा कि वो इंटेलिजेंट है नालायक है. तो आप पहले दोस्ती करते हो. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नंबर है इनका अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इनकी भी दोस्ती करवानी पड़ेगी. ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको रैशनल नंबर को कंपैरिजन करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करवाना है हमें. ठीक है, मतलब उनकी दोस्ती करवानी है. ठीक है, आप इसको इजी वे में याद रखिए. अब दोस्ती देखिए, इसका हम एलसीएम जो है वो कैसे लेंगे वो देखिए आप. 8, 16, 24 और 4, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ. एलसीएम आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे आप स्टार्ट करेंगे. हमने एलसीएम लिया है 8, 16, 24 और 4 का. सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है. 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 2 12 ज़ा 24 एंड 2 2 ज़ा 4. इस तरीके से आपको डिवाइड करते जाना है. लास्ट में जो भी आप, जब सारे ही आपके वन हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी ये नंबर आए हैं आपके प्राइम नंबर्स, इनके आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है. तो यहाँ से जो आपका एलसीएम है वो आपका कितना है, 48 आया है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं उनको, उनका जो डिनोमिनेटर है वो आपको 48 करना है. ठीक है, तब इनकी दोस्ती होगी, आप ऐसे याद कर सकते हैं. अब देखिए -5/8 है. ठीक है, और उसको हमें क्या बनाना है, 48 बनाना है. तो मैंने आपको पहले भी इसका तरीका बताया था, आपको ये सोचना है कि 8 की टेबल में 48 कहाँ पर आता है. अब 8 की टेबल आपको आती है तो आपको पता है 6 पर आता है. तो आप क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड. ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे. अब 5 6 ज़ा 30 एंड 8 6 ज़ा 48, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, -3/16 आता है. 16 की टेबल में 48 कहाँ पर आता है, 3 ज़ा पर आता है. 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48. तो आपको क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड. जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 16 3 ज़ा 48. ठीक है, अब -6/24 है आपका. फिर से आपको सोचना है कि 24 की टेबल में 48 कहाँ पर आता है. तो आपको बताया 2 ज़ा पर आता है, 24 2 ज़ा 48. तो आपको क्या करना है, -6/24 है उसका आपको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है. जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 एंड -24 2 ज़ा 48.
ठीक है। अब आपके पास जो लास्ट नंबर बचता है वो बचता है आपके पास 3/4, माइनस का 3/4। तो वो देखिए आप कैसे करेंगे, माइनस 3/4 है। अब आपको फिर से सोचना है कि 4 के टेबल में 48 कहाँ पर आता है, तो वो आपका आता है 12 पर, ठीक है। 4 × 12 अगर करते हैं तो 48 आएगा। तो हमने क्या किया, माइनस 3/4 था, इसको 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, और माइनस का साइन एज इट इज़। 4 × 12, अगर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब देखिए आप यहाँ पर जो आपके पास चार रैशनल नंबर है सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ये देखिए 48 48, ये 48 और ये वाला भी 48। अब देखिए हो गई दोस्ती सबकी, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आप इसका अब इजीली आप इसको अरेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब अब आपकी दोस्ती हो गई है तो आपको अब पता लग जाएगा कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो अब देखिए आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब मैंने आपको पहले इंटीजर्स का टॉपिक बताया था कि अगर आपके पास, ये देखिए डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, हमें देखना न्यूमरेटर की बात करनी है। अब हमें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब नेगेटिव का साइन आता है तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है और छोटे वाला नंबर बड़ा हो जाता है, अपोजिट होता है। तो अब इसमें देखिए आप न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आपको बताया 39, 12 और 36 में से सबसे बड़ा कौन सा है, -36 है। तो जो -36 है वो आपका यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है। तो फर्स्ट नंबर किसका आया, ये वाला। सेकंड देखिए अब इसके बाद कौन सा आता है, -30 आता है, तो ये सेकंड पर, फिर आपका ये थर्ड पर, और ये आपका आया फोर्थ नंबर पर, ठीक है। हो गया असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा ये वाला है, फिर 10वां, उसके बाद ये, और इसके बाद ये वाला, ठीक है। देखिए आपको मैं असेंडिंग ऑर्डर बता चुकी हूँ कि कौन पहले आएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख देंगे, -36/48 इज़ लेस देन -30/48 इज़ लेस देन -12/48 एंड इज़ लेस देन -9/48, दैट इज़ द आंसर। ये आपका आ गया आंसर। आपको क्या करना था, आपको रैशनल नंबर गिवन थे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको उनका कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, और उसके बाद उनको ऑर्डर में आपको राइट करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब आते हैं हम इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको ट्राई करना चाहिए, आपसे हो जाएगा। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट देखिए आपकी क्या है, स्टेटमेंट है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर, असेंडिंग में होता है स्मॉलर टू बिगर, एंड डिसेंडिंग में होता है बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, इसका मैं आपको सेकेंड पार्ट बता देती हूँ। तो सेकेंड पार्ट देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए 7th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, -5/14, -6/35, -17/28 एंड -11/21। आपको इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फिर से आपको एक ही बात बताऊंगी मैं, जब भी आपको रैशनल नंबर की कंपैरिजन करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, कुछ भी आपको काम करना है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, कि आपको उसका जो है डिनोमिनेटर वो सेम बनाना पड़ेगा। और वो आप सेम कैसे कर सकते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि आपको एलसीएम लेना है, उसके बाद हम उसको सेम बनाएंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेना आपको मैं सिखा चुकी हूँ, जैसे कि 14, 35, 28 और 21 का आपको एलसीएम लेना है, तो वो आप क्या करेंगे, 2 के टेबल में 14 कहाँ पर आता है, 7 जहाँ पर, ये नहीं आता, फिर इसको हमने किया 14 आएगा, नेक्स्ट 21 एज इट इज़। ऐसे ही आपने सबका आपने एलसीएम ले दिया, तो इसका जो एलसीएम आपके पास आता है वो कितना आता है, 420 आता है। अब आपको क्या करना है, सब जितने भी आपके पास नंबर गिवन है इन सबको आपको जो डिनोमिनेटर है वो आपको 420 बनाना है। अब वो देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए आपके पास क्या है, पहला जो नंबर है आपके पास -5/14 है, तो इसको आप क्या करेंगे, आपको फिर से सोचना है आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 420 बनाना है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि 14 की टेबल में 420 कहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो आपको पता है 14 × 3 = 42 एंड 0 एज इट इज़, तो 30 जहाँ पर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, -5/14 है, उसको 30 से मल्टीप्लाई, 30 से डिनोमिनेट डिवाइड, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -150। ऐसे ही 14 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे 420,
नेक्स्ट ऐसे ही आपको सोचना है, 6 - 6/35 है, 420 को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये आपको सोचना है। तो ये आपके पास आएगा 12, जब आप इसकी डिवाइड करके देख सकते हो इजीली। अब 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, एंड 35 × 12 इज 420। आफ्टर दैट -17/28 है, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब आप 420 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, ठीक है। तो अब 17 × 15 जब आप करेंगे तो आएगा -255, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 420, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है 11/21, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -220/420। अब आपको करना क्या था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो आप देखिए कैसे करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद आप स्मॉलर पर जाएंगे, तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए सब में आपका नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन में जो बड़ा नंबर होता है सबसे छोटा होता है, छोटे वाला बड़ा होता है। तो आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे, मतलब वो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, एंड लास्ट में सबसे आपका छोटा नंबर, ये आपका है 255/420। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, -72/420 है तो वो किसके इक्वल था, -6/35 की था तो वो लिख दिया। फिर -150/420 किसके इक्वल था, -5/14 के इक्वल था। नेक्स्ट है -220/420, ये आपका 11/21 के, और ये वाला आपका इसके इक्वल है। तो यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, आप बाकी जो पार्ट्स इसके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।